आज की जो क्लासेस में हम डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। डेटा टाइप को की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ रखी है कि डेटा टाइप मेमोरी में स्टोर होने वाले डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि स्टोर किए गए डेटा का टाइप बताता है कि वो किस टाइप का डेटा है। तो डेटा टाइप को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप। इसको इन बिल्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। इन बिल्ट डेटा टाइप यानी पहले से बने हुए डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ ऐसे डेटा टाइप हैं जो कंपाइलर में पहले से बने बनाए हमको मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब ऐसा डेटा टाइप जिनको हमने बनाया है, हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। ऐसे डेटा टाइप को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने की फैसिलिटी हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या C++ में मिलती है। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का हमें रोल नंबर स्टोर करना है, उसका रोल नंबर है 101। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें एक डेटा टाइप लेना होगा इंट, क्लियर है। ऐसे ही अगर किसी स्टूडेंट का हमें परसेंट स्टोर करना है, तो उसका परसेंट मान लीजिए है 90.89। तो इसको स्टोर करना है तो डेटा टाइप लेना होगा फ्लोट। किसी स्टूडेंट का ग्रेड स्टोर करना है, मान लो उसका ग्रेड है ए, तो इसको स्टोर करना है, तो ग्रेड को स्टोर करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? तो ये कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं जो पहले से हमारे पास बने बनाए हैं। इनमें हम कुछ निश्चित प्रकार की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमको किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है, 3 दिसंबर 2020। तो ऐसा कोई डेटा टाइप हमारे पास नहीं है जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ या डेट स्टोर कर सकें। तो ये जो डेट नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। लेकिन C++ में एक सुविधा दी गई है जिससे आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, खुद से ऐसा एक नया डेटा टाइप डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस डेटा टाइप को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और C++ में ऐसा डेटा टाइप बनाने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। हमें क्लास बनाएंगे डेट नाम से, और क्लास का जो स्ट्रक्चर है उसको हम फॉलो करेंगे। क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर हमें बहुत सारी और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो हम यहाँ पर इंट DD, MM और YY इस तरीके का कुछ बना करके, कंस्ट्रक्टर बना करके, जैसे हमने लास्ट एग्जाम में देखा था, और इसको स्टोर करा सकते हैं गेट डेट और ये सब करके। और मेन के अंदर इसका वेरिएबल हम बना सकते हैं, जैसे इंट DOB, ये मेन के अंदर हम बना सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्लास, या फिर इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल, इसको क्लास का वेरिएबल भी बोलते हैं, क्लियर है। तो जो चीजें हमने अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में देख रखी है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, उनका कैसे यूज किया जाता है, एक्चुअली क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो आप देखेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कुछ और नहीं है बल्कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर एग्जाम में आता है तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं, उसके द्वारा ही हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। तो देखने पर कितना मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है ये। क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे आप तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाला जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इस एरिया है आपके पास डेटा टाइप इन C++, आप देख पा रहे होंगे कि डेटा टाइप इन C++ का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स आपने पहले भी देख रखा है, इंटीजर, फ्लोट, कैप, ये सारी चीजें हैं आपके पास। तो इस तरीके से हमने अभी डेटा टाइप वाला जो हिस्सा है उसे देखा। इसके अलावा डेटा टाइप की एक और कैटेगरी होती है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी प्राइमरी डेटा टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं।
ठीक है, इनको जैसे इसमें आता है आपका एरे, और एरे आपने पढ़ रखा है पहले भी। तो एरे जो है ये एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम डिराइव्ड डेटा टाइप में एरे के बारे में लिख सकते हैं। फिलहाल डिराइव्ड डेटा टाइप जो है पॉइंटर, एरे, इन सभी को हम डिराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं। तो डेटा टाइप जो है उसको बेसिकली इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में भी आप पहले से जानते हैं कि कांस्टेंट वो मेमोरी लोकेशन है जिसकी वैल्यू रन टाइम पर चेंज नहीं की जा सकती। एक बार वैल्यू फिक्स होने के बाद उस वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, जबकि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रन टाइम पर चेंज की जा सकती है। कांस्टेंट के बारे में बात किया जाए तो कांस्टेंट वो मेमोरी लोकेशन होते हैं जिनकी वैल्यू रन टाइम पर चेंज नहीं की जाती है। और एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर वेरिएबल्स को भी देख लेते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशन आपने देख ली है कि कांस्टेंट जो है वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू रन टाइम पर चेंज नहीं की जा सकती। वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है रन टाइम पर। यह सभी को पता होता है, जनरली डेफिनेशन हमको पता है, बट एक्चुअली सी में या सी प्लस प्लस में उसको कैसे करते हैं इसको, तो हम यहाँ पर देखेंगे। मैं लिख रहा हूँ इंट ए इक्वल टू 90। यहाँ पर ए जो है एक वेरिएबल है, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉन्स्ट इंट बी इक्वल टू 90, तो यहाँ पर जो बी है वो एक कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ पर कांस्ट की वर्ड का यूज करना होगा किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए। उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाएगी, बी की वैल्यू पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान 90 की 90 रहेगी, और ए की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो कांस्टेंट को अगर आपको देखना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करके, तो हम यहाँ पर सी प्लस प्लस के विंडो में जंप करते हैं। एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर टर्बो सी प्लस प्लस का विंडो ओपन हो गया है, और हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल का एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग को काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, वो कॉमन चीज है, और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम नॉर्मली सी प्लस प्लस है तो पहले हम कंपाइल करके वर्ड मेन में ही बनाकर देख सकते हैं। इस चीज को हम क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, क्लास के अंदर बना के ऑब्जेक्ट में यूज करें चाहे यहाँ यूज करें, एक ही मतलब है। हम यहाँ पर वर्किंग देख रहे हैं कॉन्स्टेंट और वेरिएबल की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने बनाया एक इंट ए इक्वल टू 90, ये एक वेरिएबल है, और एक कॉन्स्ट की वर्ड का यूज किया कॉन्स्ट इंट बी इक्वल टू 90। दोनों की वैल्यू 90 90 रख दी है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस यहाँ पर अंतर देखना है कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर कोनी इंक्लूड की स्पेलिंग गड़बड़ है। अब देख रहे हैं कि प्रोग्राम एकदम करेक्ट है, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया गया है कॉन्स्टेंट बनाने के लिए। बी एक कॉन्स्टेंट है, इंटीजर कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू जो है अवेरिएबल नहीं है। बी की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, बी को यूज जरूर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी आउट एंड डेल, यहाँ पर लिख रहा हूँ ए इक्वल टू ए, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ सी आउट डेल बी इक्वल टू बी। बी को हम यहां पर प्रिंट कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन करके देखते हैं, बिल्कुल रन हो रहा है। ए की वैल्यू 90 और बी की वैल्यू 90। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूं, देखिए मैं यहां पर ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, ए इक्वल टू 100 कर दिया, तो इस लाइन पर लाइन नंबर ये पर ए की वैल्यू 90 है और इस वैल्यू पर ए की वैल्यू चेंज हो गई है। यह हम इसको बाद में करके देख लेते हैं, यहाँ पर करके देख लेते हैं ताकि हमको चेंजेस जो है वो डिस्प्ले भी हो। तो मैं ए की वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया, क्लियर है?
और इन दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ फिर से। अभी मैं जानबूझ के बी की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आउटपुट नहीं दिखेगा, एरर आएगा। तो देखिए मैंने पहली वैल्यू ये रखी और उसके बाद मैं सी आउट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमें कुछ देखने के लिए भी मिले कि यहाँ से डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर रन करते हैं और आउटपुट देखिए, आप यहाँ पर पहले जो लाइन के ऊपर है ए की वैल्यू 90 है और बी की वैल्यू भी 90 है, लेकिन नीचे ए की वैल्यू 100 हो गई है लेकिन बी की वैल्यू में हमने कोई चेंजेस नहीं किया। याद रखिए कांस्टेंट की वैल्यू जब तक आप चेंज नहीं करेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन आप देखिए ए की वैल्यू मैंने चेंज किया कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ए वेरिएबल है, लेकिन यहीं पर मैं अगर बी की वैल्यू भी चेंज करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर फिलहाल एरर आ जाएगा। वो क्या एरर होगा देखते हैं। एक एरर आया है और एरर में लिख रहा है कैन नॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। सर तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करने पर हम किसी वेरी कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज करने नहीं मिलती है। चेंज करने पर इस तरीके से कुछ एरर डिस्प्ले होता है, कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर समझ में आ गया होगा और काफी सिंपल है। इस कोड को आप किसी क्लास के अंदर भी डेटा मेंबर के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। एक्चुअली रेफरेंस वेरिएबल में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन होता है और ये न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर के द्वारा होता है। और आपने फंक्शन वर्चुअल फंक्शन के एग्जांपल अगर आपने किया होगा तो उसमें भी आप देखने को मिला होगा, बट हम यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन और रेफरेंस वेरिएबल। पहले हम समझेंगे रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल हम किस तरीके से वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं क्लास बना रहा हूँ, जैसे मैंने क्लास बनाया डेट और इसके अंदर मैंने कुछ कोड कर दिया क्लास का। कि आप C++ में क्लास बना सकते हैं और मैंने इसके अंदर int dd mm और yy करके कुछ कोड कर दिया है और इस कोड को हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। यहाँ पर हम शो बना सकते हैं और मैंने अभी पूरा कोड नहीं किया है यहाँ पर, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। हमारा टॉपिक क्लास बनाना नहीं है बल्कि रेफरेंस वेरिएबल देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कुछ कोड किया हुआ है, ये क्लास का कोड है और ये वर्किंग कोड है। हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये वर्किंग कोड है। इसके बाद हम इसको यूज कैसे करते हैं, void main यानी कि मेन फंक्शन के हम अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जैसे डेट d1, ठीक है। तो ये जो डेट d1 जो दिख रही है ये कहलाता है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और ये ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं ऐसा बनाऊं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल, मैं ऐसा लिखूं डेट d2 इक्वल टू न्यू डेट, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि d2 जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। d2 जो है वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है और ये रेफरेंस वेरिएबल में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, यानी कि न्यू डेट इज एन ऑब्जेक्ट। न्यू डेट इक्वल टू d1, d1 का जो रोल है, d1 का जो फॉर्म होता है, d1 को ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि इसका नाम यहाँ पर d1 दे दिया गया है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, d2, क्लियर है। यानी d2 में ये वैल्यू स्टोर कराई जा रही है, यहाँ पर d1 में वो वैल्यू पहले से है, स्टैटिकली पहले से दे दिया गया है। d1 डेट d1 लिखने का मतलब है कि d1 के अंदर न्यू डेट होगी, ये वाली डेट इसका एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं और ऐसा लिख दूं,
null. D2 के अंदर कोई डेट नहीं होगी, उसके अंदर कोई दूसरी डेट को हम स्टोर करा सकते हैं, तो D2 के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं एड्रेस ऑफ D1। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि D2 एक पॉइंटर है, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये रेफरेंस वेरिएबल है, और आपको पता है कि जब भी आप न्यू कीवर्ड से डायनेमिक एलोकेशन करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो वो रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर होता है, ना कि ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टैटिक होता है और रेफरेंस वेरिएबल जो है पॉइंटर का यूज करता है और वो डायनेमिक होता है। तो आप डायनेमिकली इनिशलाइज कर सकते हैं, D2 की वैल्यू को हटा सकते हैं, D2 में नई वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन D1 में ऐसा नहीं कर सकते। D1 में जो चीज दी गई है वो फिक्स हो जाएगी, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर को भी आप बेस और क्लास, अब वर्चुअल फंक्शन में देखे होंगे कि बेस और क्लास दोनों का, बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो उसको स्टोर करता है डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो उम्मीद है आपको रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। और रेफरेंस वेरिएबल एक पॉइंटर होता है जो कि ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली अलॉट करता है। एक D2 कई ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली लिंक कर सकता है, जबकि D1 जो है उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो ये था रेफरेंस वेरिएबल एंड डायनेमिक एलोकेशन ऑफ वेरिएबल, जहां पर D2 जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है, और इसका यूज अपने न्यू और डिलीट कीवर्ड जब आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा उसमें भी देखेंगे। वर्चुअल फंक्शन भी आप देखना होगा तो देखेंगे, यानी रेफरेंस वेरिएबल डायनेमिक एलोकेशन ऑफ वेरिएबल आता है, तो आप बेशक न्यू कीवर्ड के बारे में लिख सकते हैं, आप वर्चुअल फंक्शन के बारे में भी कुछ एग्जांपल बताए तो उसको लिख सकते हैं। तो आइए आगे का टॉपिक देखते हैं।